वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लकी गुब्रेले, आ गया हूं एक न्यू ब्लॉग के साथ। जी हां, आज है 2 सितंबर, दिन है गुरुवार और टाइम हो चुका है समथिंग 12 बजे का समथिंग। और आज हम थोड़ा घूमने भी जा रहे हैं और साथ में कुछ स्पेशल है, हमारे अंकित भाई का बर्थडे है। तो अंकित भाई आइए जरा। तो हैप्पी बर्थडे अंकित। थैंक यू भैया। तो फिर हम केक वेक काटने वाले हैं थोड़ा, और अंकित ने कुछ सरप्राइज रखा है, मतलब कहाँ पार्टी वार्टी कुछ जाने वाले हैं। तो अंकित कहाँ चल रहे हैं, हम कुछ बताएंगे आप? बैतूल प्लस सोनाघाटी जाएंगे। अच्छा हाँ, तो बैतूल में सोनाघाटी एक लोकेशन है, तो बहुत मस्त लोकेशन है, नेचुरल व्यू है, तो काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ब्लॉग के साथ बने रहिए। और अभी हम जिस लोकेशन पे आ चुके हैं, हम आ चुके हैं अपने खेत के पास। तो खेत, ये मेरा पर्सनली अपना खेत है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी भुट्टे लगे हुए हैं। कोई अगर भुट्टे खाने का शौकीन होगा तो वेलकम आप सब सब्सक्राइबर का। और साथ में गन्ना बाड़ी वगैरह भी है, तो गन्ना बाड़ी देखिए, अगर कोई गन्ना खाने का शौकीन है तो उन सबका भी वेलकम है। कभी आइए और इंजॉय करते, पार्टी करते खेत में आइए आप। मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, कमेंट में आप मैसेज छोड़ दीजिए कि हम घूमना चाहते हैं। ठीक है, और ब्लॉग के साथ बने रहिए, इंजॉय करते रहिए, देखते रहिए, सेफ्टी के साथ रहिए, मास्क लगा के रखिए क्योंकि COVID-19 चल रहा है। हम भी मास्क लगा के रखते हैं, बस ब्लॉग बनाते टाइम में थोड़ा मास्क वास्क हटा लेते हैं। तो अंकित पार्टी? जी भैया, पार्टी तो बनती है आज। अच्छा ठीक है, होटल वोटल में ले चलोगे आज? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और गाइस, हम केक वेक भी अभी थोड़ी देर में काटने वाले हैं, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। दोस्तों है, हम पहुंच चुके हैं हाईवे के करीब में, तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है, तो मैंने सोचा ये व्यू आपको दिखा देता हूँ। बड़ा मस्त व्यू है, यहाँ से देखो पूरी सिटी आपको देखने को मिलती है, और अगर इस साइड देखे जाए तो इस साइड से भी आपको देखना पूरा व्यू देखने को मिलता है। तो आदर्श भाई, गिटार विटार बजाने वाले हो क्या आज? हाँ बिल्कुल। यस यस, बजाएंगे। अच्छा अच्छा, फिर देखते हैं, अभी तो बारिश हो रही है। हाँ हाँ, तो हल्की हल्की से बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, हम हाईवे के करीब पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के अंदर हम सोनाघाटी की लोकेशन में पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ का व्यू देखो कितना मस्त है, यहाँ से सिटी देखने का मजा कुछ और ही है। ठीक है, लेकिन हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं सोनाघाटी में, तो उसके ऊपर मतलब वो हाइट पे बसा हुआ है एक, तो वहाँ से सिटी मतलब पूरी एक व्यू में देखने को मिलती है, एक ही बार में आप पूरी सिटी देख पाओगे। तो चलते हैं उस लोकेशन पे और देखते हैं आगे का व्यू। अरे लाल लाल साड़ी वाली, ओ मेरी साली, ला दूंगा मैं देखो सोने की बाली, के आ जाना जी चोली जोड़ पे, आ जाना आ जाना जी चोली जोड़ पे, आ जाना आ जाना जी चोली जोड़ पे, आ जाना। दोस्तों हम आ चुके हैं एक और नेचुरल लोकेशन पे, आप देख सकते हो यहाँ पे एक बड़ा सा डैम देखने को मिल रहा है। इस डैम को कहते हैं कोसमी डैम, और जो लोग बोट के शौकीन है तो यहाँ पे बोट की व्यवस्था भी है, तो इसमें घूमने भी जा सकते हैं आप। और नहाने के जो शौकीन लोग हैं, अगर तैरना जानते हो तो यहाँ पे आप नहा भी सकते हो, और काफी मजा आ रहा है। अंकित काफी सारा एंजॉय हो रहा है, मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और प्रवीण आप क्या देख रहे हो, कूदने की सोच रहे हो क्या नीचे साइड में? नीचे साइड बहुत पानी है, तो देखने में मजा आ रहा है। अच्छा, कूदने की तो नहीं सोच रहे हो ना? नहीं नहीं। हाँ हाँ, कूदना मत भाई, पानी बहुत ज्यादा है और हमें तैरना वैरना तो आता नहीं है। अगर आप लोग को आता हो तो आप जरूर यहाँ पे नहा सकते हो। और थोड़ी देर में बारिश कभी स्टार्ट हो जाती है, कभी बंद हो जाती है, और जब हम बाइक से निकलते हैं फिर थोड़ी देर में गीले हो जाते हैं, तो काफी मजा आ रहा है यहाँ पे घूमने में भी। ठीक है, हम आगे का व्यू आपको दिखाता हूँ, हम सोनाघाटी की लोकेशन पे पहुंचते हैं, फिर आगे का आपको व्यू दिखाता हूँ, इंजॉय करिए। जाना
बराबर पे चलो, देखते हैं सिचुएशन क्या है। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, चलो 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 एक एक से। अंकित तो काफी फिसलन भरा रास्ता है और बारिश अभी भी हल्की हल्की हो ही रही है। अंकित तो काफी सारी सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर आ चुके हैं आप देख सकते हैं, और ऊपर साइड में भोले बाबा का मंदिर है तो भोले बाबा के दर्शन करते हैं। बस थोड़ी सी सीढ़ियां अभी और बाकी है, ऊपर साइड में मंदिर है तो चलते आगे की तरफ। काफ़ी थकावट भी हो रही है क्योंकि ये सीढ़ियाँ काफ़ी सारी लंबी है और ऊपर से पानी भी आ रहा है। और राइट साइड का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ किस तरह का व्यू है। यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ है और काफ़ी फिसलन भरा रास्ता है। चलो इस टाइम का एंजॉय करते हैं। फाइनली हम ऊपर साइड में पहुंच चुके हैं मंदिर, और मैं ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूं किस तरह का व्यू है। यहां से आप पूरी सिटी व्यू कर पाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर के ऊपर साइड चढ़ के आ चुके हैं और यहां से आप व्यू देख सकते हैं पूरी, यहां से सिटी एक व्यू में नज़र आती है। तो यहां से आप सिटी भी देख सकते हैं, साइड में रेलवे ट्रैक भी है और काफ़ी सारी हरियाली वगैरह है। कैसा लग रहा है ऊपर आके? बहुत मस्त, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ का। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, फिर हम आपको मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर का व्यू भी दिखाता हूँ आपको। तो साइड में एक छोटा मंदिर है जिसके बाद में मेन मंदिर इस साइड में है। तो मेन मंदिर की तरफ मैं आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ मेन मंदिर का व्यू। तो ये मेन मंदिर है, तो चलते हैं अंदर का व्यू भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों आपको ये लोकेशन कैसी लग रही मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप घूमना चाहे तो बैतूल स्टेशन पे आके और वहाँ से करीबन 2-3 किलोमीटर दूर ये सोनाघाटी की लोकेशन है। बहुत मस्त व्यू है और बारिश के मौसम में मज़ा ही आ गया यहाँ के। तो आदर्श एक गाना, मेरा बोला है भंडारी करतनंदी की सवारी, शंभुनाथ रे भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे। सो गाइस शाम का टाइम हो चुका है और हमारा केक आ चुका है। तो अंकित भाई केक लेके रेडी है। तो अंकित भाई काट दो अब केक, देरी किस बात की, सारे फ्रेंड्स भी आ चुके हैं। हाय गाइस, और ये महेंद्र भाई साहब आज दिन भर से गायब थे, देवेंद्र भाई साहब भी दिन भर से गायब थे, ब्लॉग में आए नहीं बेचारे। और पवन कहाँ हो, इनको कैसे भूल सकते हो यार आप। और हमारे आदर्श साहब का अभी गिटार विटार तो आपने देख ही लिया। तो अंकित जी काट दीजिए अब केक।
इतना सारा घूम घाम के अब घर के लिए रवाना हो रहे हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले और कमेंट में बताइए ब्लॉग कैसा लगा आपको। चले गाइस, यस चलते हैं। तो जस्ट लाइक थैंक यू।